अगर 500 के बजट में देखे तो सही सही कई सारे एयरफोन हमें मिल तो जाते हैं, लेकिन जो पांच मैंने वीडियो के लिए सेलेक्ट किए हैं वो काफी ज्यादा वैसे पब्लिक की डिमांड में भी रहते हैं, तो इनमें से एक दो मैंने मंगवा भी दिए और इक्का दुक्का मैंने कर दिया दोस्तों से जुगाड़, और इसी तरीके से पांच एयरफोन आ गए मेरे पास। और अगर प्राइस इनके देखा जाए तो ये 350 से 550 के करीब करीब तक इसके अंदर सब आ जाते हैं। फुल डेप्थ रिव्यू में मैं इसके नहीं जाऊंगा, बस आपको ये बताऊंगा कि इनमें से कौन लेने लायक है और कौन सा नहीं। लिस्ट में हमारे पास बोट, इन्फिनिटी, बोल्ट और रियलमी की तरफ से एयरफोन होंगे, और इसकी शुरुआत हम करते हैं प्राइस के हिसाब से नीचे से। तो सबसे पहले 350 का हमारे पास आता है बोल्ट का लूप 2। जो मैंने इसका एक्सपीरियंस किया उस हिसाब से एक ही चीज बोलूंगा कि बोल्ट काफी ज्यादा अंडररेटेड है इस हिसाब से, अगर सिर्फ ऑडियो क्वालिटी में लूप 2 के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो। बिल्ड क्वालिटी तो चलो मानते हैं कि 350 लाइक इसकी ठीक थी, इससे ज्यादा इस रेट में और कुछ हम वैसे ज्यादा मांग तो नहीं सकते है। सिंपल नॉर्मल वाली केबल्स हमें इसमें देखने को मिली, लेकिन ऑडियो के मामले में मैं बोल सकता हूँ कि जबरदस्त बेस साइड इसकी ऑडियो है, जो कि मैं खासकर बोलूंगा कि ईडीएम सुनने वालों के लिए खासकर काफी ज्यादा एक बढ़िया चॉइस बन सकती है। म्यूजिक जब हम सुनते हैं खासकर की EDM, उस समय आपको फील हो जाएगी कि ऑल अराउंड साउंड इसमें आ रहा है, जो कि काफी सही लगता है सुनने में, और ये चीज आपको फील नहीं होने देता है ये कि इसमें कोई चीज आपको खाली या मिसिंग सी लग रही है। बेस स्ट्रांग है, काफी ज्यादा स्ट्रांग है, और यहाँ थोड़ी वोकल्स की कुर्बानी इस चक्कर में जरूर इसे देनी पड़ती है। इसके बारे में अगर मैं कुछ और बताऊं तो लिस्ट के जो 500 वाले एयरफोन्स यहाँ है उनके साथ बोल सकता हूँ मैं कि नेक टू नेक ये चला गया। बाकी फिर अगर मैं सिर्फ गेमिंग के बारे में अगर ऐसे ही बताऊं तो उसमें भी सेपरेशन ठीक ठाक है, हाँ, लेकिन EDM वगैरह जैसा म्यूजिक अगर सुनना है, बेस अगर आपको पसंद है और बजट 350 से ऊपर आपको एक चवन्नी भी नहीं खर्चनी है, फिर मैं आपको बिल्कुल ये रिकमेंड करूंगा, और मेरा पर्सनल फेवरेट ये लिस्ट का है क्योंकि ये चीज इसकी काफी स्ट्रॉन्ग चीज है। और जो स्ट्रॉन्ग नहीं है वो है हमारी लिस्ट का अगला ईयरफोन इन्फिनिटी जिप 100, 400 के आसपास, फ्लैट केबल डिजाइन के साथ ये देखने को मिल जाता है, पर ऑडियो में ये मात खा गया। यहाँ वोकल तो क्लियर थी, वो चीज तो नोटिस मुझे हुई, लेकिन एयरफोन में वो जान नहीं थी। बेस की भी इसमें कमी मुझे देखने को मिली, और लाउडनेस भी बहुत ज्यादा, जो कि लिस्ट में एयरफोन्स है उनसे कम ही थी। और म्यूजिक के किसी बेस वाले पार्ट में भले चाहे इसका अपना बेस उतना स्ट्रांग नहीं था, पर जहां पर कि बेस गाने में काफी स्ट्रांग भी था वहां पर भी इसमें कोई खास दम देखने को नहीं मिला। सुनने में अगर प्लेन नॉर्मल सॉन्ग्स की बात की जाए तो ठीक तो है, लेकिन एक खालीपन आपको जरूर कहीं ना कहीं महसूस इसमें होगा। इसमें सुनने वाले को ऐसा लगता है कि कोई ना कोई चीज मिसिंग है, लेकिन पता नहीं वो क्या है। बाकी फिर गेमिंग में तो इसने अपने हिसाब से काम अच्छा किया उसमें, अगर सिर्फ प्लेन म्यूजिक सुना है उस हिसाब से तो मैं बोलूंगा ठीक है, लेकिन फिर अगर बेस वगैरह EDM के शौकीन है बंदे तब मैं ये रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ आपको। लेकिन जो मैं आगे रिकमेंड करूंगा वो है हमारा बोट की तरफ से, बोट का 172, 500 के लगभग ये आता है हमारा, और बिल्ड में पिछले जो दोनों ही ईयरफोन है हमारे उनसे आगे निकल जाता है क्योंकि ब्रेडेड केबल इसके नीचे वाले सेक्शन में कंपनी ने दे दी है। बोट 171 को देखने से चलो ये लग जाता है कि 500 जो हम इसके लिए दे रहे हैं वो हाँ कहीं ना कहीं इसके बॉडी पर भी यूज हुआ है। जो हमारे लास्ट दो एयरफोन्स थे उनमें भी सिंपल एक एक्सेप्ट रिजेक्ट सिंगल बटन नहीं देखने को मिलता, और इसमें भी यही सेम स्टोरी है, वॉल्यूम बटन इसमें भी मिस है, लेकिन प्राइस इसका 500 है, तो वैसे वॉल्यूम बटन तो इससे कहीं ना कहीं होना चाहिए था क्योंकि 500 अब दे रहे हैं। तो बिल्ड मैंने जैसा बताया कि ठीक है काफी अच्छी है, सॉलिड भी है, लेकिन बिल्ड से भी जो मेजर चीज अच्छी होनी चाहिए वो है इसकी ऑडियो क्वालिटी, और उस चीज में ये बोल सकते हैं कि 500 लायक ये अपनी कीमत को वसूल इस मामले में भी करता है। 350 को जो अपना बोल्ट लूप 2 था वो इससे टक्कर काफी दे रहा था, लेकिन ये उसकी तरह बाकी ऑडियो क्वालिटी में चीजों को दबाता नहीं है और ये सब चीजों को काफी बैलेंस तरीके से बताता, चाहे अगर मैं ट्रैवल भी बोलूं, मिड्स की भी बात कर लूं, वोकल्स, ये बाकी सभी चीजों को अच्छे से बैलेंस कर जाता है, जो कि इसका एक प्लस पॉइंट आ गया हमारे पास। तो अगला हमारा एयरफोन भी बोट की तरफ से ही है, थोड़ा पुराना जरूर है बाकी तीन से, लेकिन अभी भी 500 के अंदर राज करता है, ये है बोट 242। इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियोस बना चुका हूं,
हूँ तो मैं आई बटन के थ्रू आपको इधर उधर लिंक कहीं मिल जाएगा। तो मैं ये बता देता हूँ कि बाकी जो तीन है ये इन तीनों से ऊपर परफॉर्म करता है। और अगर इन ईयरफोन्स के बारे में मैं बताऊँ तो बेस साइड ये ऑडियो हमें देता है, काफी लाउड भी है। और इसकी बिल्ड में अगर मैं बताऊँ तो सॉफ्ट सिलिकन का यूज किया गया है। और इसमें हमें एक बोनस है, वो है वॉल्यूम बटन भी हमें देखने को मिलता है, जो बाकी तीन में हमें देखने को फिलहाल तो नहीं मिले। कीमत इसकी घूमती रहती है 450 से 500 के करीब करीब। और बेस स्ट्रॉन्ग होने के साथ ही मिड्स वोकल्स वगैरह पर भी ये काफी अच्छे से ध्यान देता है। वैसे ही सेम गेमिंग वगैरह के लिए भी ये अपने हिसाब से काफी अच्छा परफॉर्म कर जाता है। गेमिंग के लिए भी कह सकता हूँ कि एक अच्छा एयरफोन है ये। तो बिल्कुल ही सरल शब्दों में बताऊं तो काफी एक मजेदार एयरफोन है ये, ऑलराउंडर बोल सकते हैं इसे। और मेरी सबसे 450-500 का अगर आपका बजट है तो ये वैसे भी आपको रिकमेंड है, क्योंकि ये काफी टाइम से अपना नाम इसने 500 के अंदर के बजट में अभी भी टॉप पर बनाया हुआ है। तो ये तो हो गया। तो अब आते हैं लिस्ट के टॉप किंग कोबरा एयरफोन्स पर, और वो है Realme Buds 2। तो सबसे महंगा भी यही लिस्ट में है हमारे, लेकिन कीमत ये अपनी खैर जस्टिफाई जरूर कर जाता है, क्योंकि 550 से 600 ऐसे ही इसके आसपास इसका प्राइस घूमता रहता है। लेकिन जो बिल्ड है बाकी सभी से इसकी टॉप नॉच की आती है, क्योंकि जो इसकी केबल है मोटी तो है ही, साथ में फुली ब्रेडेड केबल हमें नीचे से ऊपर तक देखने को मिलती है। जो ऊपर का एरिया है वो सिलिकॉन से कोटेड है। बाकी जो इसके एयरबड्स, मैं बता दूं कि प्लास्टिक की क्वालिटी काफी सॉलिड है, और देखने से ही और छूने से भी आप इसे समझ आएंगे कि मैंने ये क्यों बोला। कंपनी ने इसमें साथ ही फिनिशिंग का भी काफी ध्यान दिया। और एक मेजर पॉइंट इसमें आते हैं मैग्नेटिक एयरबड्स, तो ये भी एक प्लस पॉइंट आ जाता है बाकी के कंपैरिजन में। और इन सभी चीजों के साथ वॉल्यूम कंट्रोल बटन भी इसमें हमें देखने को मिल जाता है, जो कि होना ही चाहिए। अगर अब मैं बोलूं 500 और 600 के करीब अगर आपकी जेब में है, फिर मैं आपको बोलूंगा कि आंख बंद करके आप इस एयरफोन्स को ले सकते हैं। बड्स 2 आपको फुली रिकमेंड मैं करता हूँ। रियलमी बड्स 2 ऑडियो के मामले में भी एक जबरदस्त एयरफोन है मेरे हिसाब से। अपने प्राइस के हिसाब से देखें तो इसमें कोई भी कमी हमें देखने को नहीं मिलती है। अगर तो इसकी टक्कर के एयरफोन की मैं बात करूँ तो वो सिर्फ है 242, बाकी कोई भी इस एयरबड के नजदीक नहीं आ पाता है। और इसके साथ हमारे सभी एयरफोन्स कवर हो गए, और इनमें इन्फिनिटी जिप 100 को छोड़ के बाकी चारों ही मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। और इसमें मेरा पर्सनल फेवरेट रहा वो है लूप 2, अपने प्राइस टू ऑडियो क्वालिटी रेशियो के हिसाब से ये मेरा पर्सनल रहा। बाकी क्या रहा, आपकी जेब आपको जैसा बोलेगी, आपने उस हिसाब से अपने हिसाब से इन चारों में से कोई भी एयरफोन ले सकते हैं। तो इसी के साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल के लिए आप लोग देख रहे हैं पांडू पांडा, और मैं मिलता हूँ अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में।